अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज संडे है और संडे को गोगी के किचन में बन रहे हैं मज़ेदार से गोभी के पराठे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपने पराठे बनाना। सबसे पहले हम पराठों के लिए आटा गूंदेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप जो है वो गंदम का आटा लिया है और 2 कप मैंने इसमें मैदा ऐड किया है। तो इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक और इसमें मैं ऐड करूंगी 5 से 6 टेबलस्पून दूध। तीन टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगी क्योंकि ऑयल जो है वो हम बाद में भी थोड़ा इस पे लगाएंगे। तो इसको हम थोड़े थोड़े पानी से अच्छी तरह से गूंद लेंगे, पहले इसको मिक्स करेंगे। आटे के गूंदने के लिए मैंने 1 गिलास पानी जो है वो रेगुलर जो गिलास होता है वो पानी भर के जो है वो इसमें यूज़ हुआ है। अब मैं इसको हल्का हल्का पानी लगा के थोड़ा सा और गूंदूंगी। इसके बाद फिर हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए स्टे देंगे और उसके बाद इसे दोबारा गूंद लेंगे। डो जो है वो आपने बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना, आटे की तरह ही गूंदना है ताकि पराठे जो हैं हमारे को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार से बने। तो अब हम पराठों की स्टफिंग तैयार करेंगे। आज हम बना रहे हैं गोभी से पराठे, तो इसको हमने पहले इसके डंडल जो हैं वो उतार लेंगे, ग्रीन पार्ट जो है उसको अलग कर लेंगे। गोभी के डंडल जो हैं वो मैंने अलग कर दिए, अब हम इसको काट लेंगे, सेंटर में से 2 पीस करेंगे और इसको हम ग्रेट कर लेंगे। अब हम गोभी को ग्रेट करेंगे और आपने इसके जो बड़े वाले होल हैं उसमें ग्रेट करना है, बारीक में, बहुत ज़्यादा बारीक हो जाए। इस तरह हमने पूरी गोभी को ग्रेट कर लेना है। सारी गोभी को हमने ग्रेट कर ली है। अगर इसमें कोई बड़ा सा फूल रह गया है फ्लावर तो उसको आपने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लेना है। हमने इसमें सिर्फ गोभी के जो फ्लावर्स होते हैं उसी को यूज़ किया है, जो उसका डंठल सा होता है वो पार्ट जो है वो मैंने अलग कर दिया था। जो हार्ड पार्ट होता है ना उसका नीचे वाला, उसको मैंने इसमें ऐड नहीं किया, सिर्फ इसमें मैंने इसके फ्लावर्स ऐड किए। मैंने ऑन कर दिया है, पैन जो है वो गर्म हो रहा है। यहाँ हम डालेंगे इस पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, हमने स्टफिंग तैयार करनी है तो इसके लिए हमें ऑयल जो है वो थोड़ा ही यूज़ करना है, क्योंकि अगर ऑयल ज़्यादा होगा तो वो पराठों से बाहर निकलेगा। तो हमने इसे ड्राई ड्राई सा बनाना है ताकि स्टफिंग जो है वो हमारी पराठों से बाहर ना निकले। तो इसमें ऐड कर दूंगी मैं ऑयल में ग्रेट की हुई गोभी, इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। जब हम छोटे होते थे तो हमारे घर में जब आलू गोभी का सालन बनता था तो हम खुश होते थे कि सुबह जो है वो हमें आलू गोभी का पराठा मिलेगा। मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना कुटा जीरा, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं ऐड करूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, पेस्ट तो नहीं है मेरे पास, पाउडर है, तो थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी गार्लिक पाउडर और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगी जिंजर पाउडर, इससे भी इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा।
आप इसे इसमें चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं और गार्लिक को बारीक बारीक काट कर भी ऐड कर सकते हैं। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो आप स्किप कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे आपने गोभी की स्टफिंग जो है वो तैयार करनी है, क्योंकि आपने फ्लेम जो है वो बिल्कुल भी हाई नहीं करना ताकि स्टफिंग जो है हमारी अच्छे से रेडी हो। मैंने डो में भी नमक ऐड किया था तो हाफ टी स्पून मैं इसमें भी ऐड कर दूंगी ताकि नमक का लेवल जो है वो इक्वल रहे, ज़्यादा ना हो जाए पराठों में, हमारे पराठों का टेस्ट ना ख़राब हो जाए। तो आप चख कर भी वो जितनी भी मसाले होते हैं वो आप चख कर भी दोबारा से ऐड कर सकते हैं। कम डालेंगे तो वो और डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा डालेंगे तो वो कम नहीं हो सकते। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर करूँगी ताकि गोभी जो है वो अच्छे से कुक हो जाए और उसके बाद फिर हम अगला स्टेप करेंगे। और गोभी की स्टफिंग में हम आलू भी ऐड करेंगे क्योंकि गोभी जो है वो फिर पराठों में रुकेगी नहीं, और आलू जब हम इसमें ऐड करेंगे तो स्टफिंग जो है वो बहुत अच्छे से रुकेगी। गोभी की स्टफिंग के लिए मैंने आलू भी इसमें यूज़ किए हैं क्योंकि आलू डालने से स्टफिंग बहुत अच्छे से रेडी होगी और पराठों से बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि ये जो फ्लावर्स हैं अगर हम इसको पराठे में ऐड करेंगे, पराठा बनाते हुए इसकी स्टफिंग डालेंगे तो वो इसमें अच्छे से सेट नहीं होगी। तो इसके लिए मैंने इसमें आलू भी ऐड किए। इसको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। मैं अच्छी तरह से इसको आलू को मैश कर लूँगी। आलू को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था, 2 बड़े आलू लिए थे मैंने और उनको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। गोभी जो हैं वो अच्छे से कुक हो गए हैं, आलू भी अच्छी तरह से मैंने मैश कर दिए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 हरी मिर्च कटी हुई बारीक और थोड़ा सा मैं इसमें धनिया ऐड करूंगी और इसको मैं मिक्स कर लूंगी और फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी और इसको मैं अब ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। आलू और गोभी की स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है पराठों के लिए और ये रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो चुकी है। अब हम अपना आटा चेक कर लेते हैं और उसको दोबारा से गूंद लेते हैं। आटा भी हमारा अच्छे से तैयार हो गया है पराठे बनाने के लिए। इसको थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा के छोड़ दिया था। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड आटा गूंदेंगे तो वो पराठे जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और सख्त बन के फिर वो टूट नहीं जाते। तो डो हमारी जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। अब इसको बहुत ज़्यादा गूंदूंगी नहीं क्योंकि इसमें फिर बाल आ जाएंगे और फिर पराठा बेलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आटे को मैंने काउंटर पे ही रख दिया है। अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी और पेड़े के हिसाब से मैं इसके इक्वल जो है वो पार्ट कर लूँगी ताकि एक ही साइज़ के मेरे पराठे बने। यहाँ पे मैंने 5 पेड़े जो हैं वो आटे से रेडी कर लिए हैं।